और इस बीच हमारे संवाददाता अमित दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, राम मंदिर के लिए बनाया गया ट्रस्ट, पीएम मोदी का बड़ा बयान। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन भी 8 तारीख की शाम को खत्म हो जाएगी और उससे पहले सरकार को इस तरह का डिसीजन लेना था, और यही वजह थी कि आज प्रधानमंत्री खुद संसद में आए और किस तरह कैबिनेट में इसके चर्चा हुई और राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हो गया। और जैसा कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये जो ट्रस्ट है, यही मंदिर की रूपरेखा और इससे जुड़े सभी फैसले लेने में इसकी अहम भूमिका होगी और यही ट्रस्ट सारे फैसले लेगा। जहां तक मस्जिद की जमीन देने की बात की, 5 यूपी सरकार को भेज दिया गया है, यूपी सरकार भी मस्जिद की जमीन को जल्द मंजूरी दे देगी। जी बिल्कुल, लंबे वक्त से कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे थे और ट्रस्ट को लेकर विवाद भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा था अमित, लेकिन अब पीएम मोदी ने साफ किया है कि जल्द ही अब इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा और ट्रस्ट भी बना दिया गया है, तो तमाम विवादों पर भी विराम कहीं ना कहीं इसी के साथ। अमित जी बिल्कुल, देखिए खासतौर पे अयोध्या जो है काफी पिछले कई सालों से विवादित रहा है, रिसेंटली जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास अमित, और वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ गए। विनोद बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदमाइन टीवी में। धन्यवाद। बिल्कुल, और अब जिस तरह से ट्रस्ट को लेकर कई तरह के सवाल विवाद भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब पीएम मोदी ने बड़ा बयान के साथ साफ कर दिया है कि अब जल्द ही ट्रस्ट के निर्माण के साथ जो राम मंदिर है उसका निर्माण किया जाएगा, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत बहुत स्वागत योग्य और प्रसन्नता पूर्वक अपनी भावना व्यक्त करते हुए और सभी भक्तों को, बलिदानियों को ये उनको नमन करते हुए और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं कि ट्रस्ट का गठन समय पूर्व उन्होंने कर दिया और राम मंदिर के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा, उसी मॉडल का बनेगा, ट्रस्ट की बैठक तुरंत हो ऐसी हमारी इच्छा है और साथ ही साथ मंदिर का निर्माण कार्य सभी राम भक्तों के सहयोग से होना चाहिए। इसी तरह का एक अच्छी बात यह है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो गठन उन्होंने किया है, वो तीर्थ क्षेत्र को संपूर्ण भूमि पूरी भूमि सरकार ने दी है और हम सबकी भूरभूर प्रसन्नता करते हैं जी। और देशवासियों को बधाई देते हैं कि उनके 500 साल का संघर्ष और राम राज्य की जो परिकल्पना थी वो जल्दी ही साकार होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से पीएम मोदी ने बयान दिया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो ट्रस्ट का गठन किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर भी किया गया है, तो इस गठन को लेकर भी कहीं ना कहीं इससे पहले काफी बवाल जो है देखने को मिला था, विवाद खड़ा हुआ था, लेकिन अब इस ट्रस्ट को आप किस तरह से देखते हैं विनोद जी? देखिए ट्रस्ट की सारे डिटेल सामने आएगी तब उसके बाद ट्रस्ट के बारे में कुछ कहा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वो अच्छा ही होगा और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने में मददगार साबित होगा, देश के समस्त झगड़ों का एक निदान और सामाजिक समरसता का एक मूल मंत्र बनेगा ये राम मंदिर, क्योंकि हमारा शुरू से ये मंत्र है कि राम मंदिर नहीं सिर्फ और बल्कि ये राष्ट्र मंदिर बनेगा और ये भगवान श्री राम के जीवन के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और जो राम राज्य की परिकल्पना उसको साकार करने के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक लंबे वक्त से लोगों को भी इंतजार था, देश के लोगों को इंतजार था कि आखिर राम मंदिर का निर्माण कब होगा, लेकिन अब ट्रस्ट तो बना दिया गया है विनोद जी, तो अब क्या माना जाए कि क्या अब जल्द ही राम मंदिर का निर्माण भी शुरू कब तक हो पाएगा? बिल्कुल, हमारा तो कहना ये है कि आगामी जो जो वर्ष प्रतिपदा है या रामनवमी आ रही है, रामनवमी से ही मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो, लेकिन ये सब काम जो है ट्रस्ट को डिसाइड करना है और ट्रस्ट की बैठक जल्दी से जल्दी हो और वो ट्रस्ट डिसाइड करे कि कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाना है और कितनी जल्दी उसको निर्माण कार्य को संपन्न कराना है, और वो जो अपना मंदिर की शिलाएं सब बनी तैयार रखी हैं, अब हमारा निवेदन है कि भी वो ट्रस्ट शीघ्र भव्य मंदिर के लिए, रंगभूमि मंदिर के लिए आगे बढ़े और साथ ही साथ वो मंदिर एक ऐसा बने जो कि संपूर्ण राष्ट्र को एक करने के लिए, सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए, आपसी कटुताओं का सर्वनाश करने के लिए और देश की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ बने और सभी लोग मिलकर के उस भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए आगे बढ़े, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी देशवासी ऐसा नहीं है जिसके पूर्वज भगवान श्री राम न हो। अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए मत पंथ संप्रदाय और जातिगत भेदभाव करते हुए आगे बढ़े। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।
और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम जी, पीएम मोदी ने बड़ा बयान और अब ट्रस्ट का गठन के साथ उन्होंने कहा है कि जल्द ही अयोध्या में बनेगा भव्य राम मंदिर। देखिए, तीर्थ एक तो वहां पर तीर्थ क्षेत्र उसको घोषित किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि अब राम मंदिर बनने का पूरी तरह से रास्ता साफ हो चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद ही साफ हो गया था, लेकिन कुछ न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश जो कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाले संगठन है या जो मुल्लाज है उन्हीं ने की थी। लेकिन अब पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो जगह दी जानी थी वो भी चिन्हित कर दी गई है, और जो कोर्ट का जिस तरह का ऑर्डर था उसका इम्प्लीमेंट जो लिमिटेड टाइम था, जो फिक्स टाइम था, उस टाइम के अंदर जो गवर्नमेंट ने अपने कर्तव्य को निभा दिया और सब चीजें कंप्लीटली सॉल्व कर दी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम ये समझते हैं कि आजादी के बाद अयोध्या और हिंदुस्तान को एक जो चीज मिलनी चाहिए थी, जो एक कलंक था हिंदुस्तान पर, बाबर ने जो एक झगड़ा पैदा किया था वो खत्म हुआ और अब आपसी मेल भाव से, आपसी सद्भावना से, आपसी समझौते के तहत अब जो भी हिंदू मुसलमान है उन सबको इस बात को कबूल कर लेना चाहिए। अब आगे किसी तरह का कोई फसाद नहीं करते हुए अब जो भी है उसका सम्मान करना चाहिए। भगवान राम हमारे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के एक पूर्वज हैं और उनका सम्मान में जो भी वहां पर उनके जन्म स्थान था, जो मंदिर बन रहा था, उससे देरी जरूर हुई है, वो कुछ जिनकी वजह से भी हुई वो एक अलग इशू है, लेकिन बहरहाल देर आए हम दुरुस्त आए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुस्ताक सिद्दीकी जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्ताक सिद्दीकी जी, अब पीएम मोदी ने भी बड़ा ऐलान राम मंदिर निर्माण को लेकर कर दिया है, इस ऐलान को आप किस तरह से देख रहे हैं आप? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ कमेंट करना मुनासिब नहीं है जी। हम हिंदुस्तान के शहरी हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं बहुत गलत मानता हूं, लेकिन मैं गलत फैसले के खिलाफ जबान नहीं खोल सकता। जब तक हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं से पलटुआ न लें, तब तक वो फैसला फैसला है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो राम मंदिर के लिए बड़ी योजना जो है वो तैयार की गई है। तो पीएम मोदी का ये बड़ा बयान अयोध्या पर, पीएम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ट्रस्ट का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं और जल्द ही अब अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो राम मंदिर पर ट्रस्ट का गठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर लिया गया। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राम से ये ट्रस्ट जो है वो बनाया गया है राम मंदिर के लिए। ट्रस्ट बनाने के बाद अब जल्द ही अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। तो राम मंदिर को लेकर रास्ता जो है वो साफ दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये ट्रस्ट बनाया गया। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो अयोध्या पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई फैसले जो है वो लिए गए हैं, योजनाओं को लेकर भी जो है बड़े फैसले लिए गए हैं और स्वतंत्र ट्रस्ट अब राम मंदिर की जो जिम्मेदारी है वो उसको सौंपी गई है। तो जल्द ही अब अयोध्या में राम मंदिर बनने का जो रास्ता है वो साफ होता दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। तो अयोध्या से जुड़ा फैसला दिल के बेहद करीब। अब आपको बता दें कि राम मंदिर पर ट्रस्ट का गठन जो है वो कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, ये जो ट्रस्ट है वो बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये ट्रस्ट बनाया गया है, तो मंदिर का जो रास्ता है वो अब साफ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और कई बड़ी योजनाओं को भी यहां पर तैयार किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। तो राम मंदिर प्लान को लेकर मंजूरी जो है वो मिल गई। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इससे जुड़ा हर एक फैसला दिल के बेहद करीब। तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। तो लोकसभा में पीएम ने इसके साथ ही अयोध्या में सरकार की तरफ से कब्जाई गई 67 एकड़ जमीन को भी ट्रस्ट को देने की बात कही है। तो साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो विवाद हुआ था, तो उसके बाद 1993 में अयोध्या में विवादित स्थल समेत आसपास की करीब 67 एकड़ जमीन का केंद्र सरकार ने अधिग्रहण किया था। तभी से ये जमीन केंद्र के अधीन थी, लेकिन अब सरकार ने इस राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया है। तो ये बड़ा ऐलान पीएम मोदी की तरफ से लोकसभा में। तो अब 67 एकड़ गैर विवादित जमीन और 2.5 एकड़ विवादित जमीन दोनों ही मंदिर के ट्रस्ट के पास होगी।